सेम फंक्शनल ग्राफ में अगेन रिपीट करता हूँ और कुछ ऐसा बन गया। देखो यहाँ तक आया तो इंटीग्रेशन हो गया और उसका ऐसा बन गया। अब आप इसको इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन करेंगे ऐसा हो गया। इंटीग्रेशन करने के अब देखो आपने क्या मॉडुलस कर लिया इसका, और मॉडुलस लेने के बाद टोटल ग्राफ अब अब एक्स एक्सिस शिफ्ट हो गया। प्रॉब्लम है ये देखो ये ए वन वैल्यू मिल रही है, ये ए टू वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव में और ए थ्री वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको प्रूफ हो गया कि आपने इंटीग्रेशन लेने से पहले इसका मॉडुलस लिया है, तो मॉडुलस में टोटल ग्राफ पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब ये एरिया एज कंपेयर देन इसके क्या ग्रेटर देन हो गया, इक्वलिटी होल्ड यहां से हो रही थी जब ग्राफ की वैल्यू क्या पॉजिटिव थी, इक्वलिटी होल्ड जब हो रही थी ग्राफ की वैल्यू पॉजिटिव थी, एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव, तो आपको पता है मॉडुलस पहले लें बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई ग्राफ अगर ऐसा मिलता है जिसका एरिया नेगेटिव होता है फंक्शन का, उसका मॉडुलस लें तो ग्रेटर देन मिलेगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद मॉड लें तो लेस देन। तो आपको पता चल गया ये इनइक्वालिटी आपके आपको यस अपने आपको म्यूट कर लें, आप अनम्यूट अपन लास्ट में होंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है, राइट। तो ये कंसेप्ट समझ आएगा कि नहीं बच्चों, इससे पीवीएस भी एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं। ये भी हमने रिवीजन किया था कि अगर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है तो मिनिमम पॉइंट टू मैक्सिमम पॉइंट और बीच का ब्रेथ तो सेम रहेगा ही, बी माइनस है इसका। कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन पता है आपको हाईएस्ट पॉइंट और ये आपका और ये लोएस्ट पॉइंट, ये आपका क्या हाईएस्ट पॉइंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बिटवीन का एरिया मिल जाएगा। और इसका कोई इंक्रीजिंग फंक्शन था तो आप इसमें ये मिनिमम पॉइंट एफ ऑफ ए से लेके मैक्सिमम पॉइंट एफ ऑफ बी तक एरिया मिल जाएगा, राइट। ऐसा हमने स्टडी किया हुआ है, ओके ओके श्योर। नाउ मैं क्वेश्चन दूंगा आपको प्रूफ करने के लिए, ना प्रूफ करने के लिए इसको ना प्रूफ करें आप, अगर आपके समझ आ गया कि नहीं है कंसेप्ट तो आप उसको प्रूव करें। मैं इसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, इसी बच्चे ने प्रूव किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसको, आपको पता है बच्चों 5/4 to 5/2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक करना है फंक्शन इसका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स एज ए इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 5/4 to 5/2 में वैल्यूज, यस एज इंक्रीजिंग फंक्शन है, वेरी गुड इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो कल हमने इसकी स्टडी की हुई है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे है एफ ऑफ लोअर लिमिट पर आपको इसकी लोअर वैल्यू मिलेगी, अपर लिमिट पर अपर वैल्यू मिलेगी, इन दोनों के बिटवीन का।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो बी माइनस ए, बी माइनस ए की वैल्यू की बात करूं तो 5/2 - 5/4 इंटू एफ ऑफ लोअर लिमिट, एफ ऑफ लोअर लिमिट 5/4 हो गया, 5/4 साइन 5/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 की पावर 10 है, इट मीन 1/32 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू है 5/2 - 5/4 मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू आप देखें यस तो अपर वैल्यू, अपर वैल्यू क्या है साइन 5/2 आपको पता है साइन 5/2 की वैल्यू 1 होती तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 तो मिल गया आपको 5/2 - 5/4 इज 5/4 एंड लेस देन वैल्यू विल बी 5/4 × 1/32 5/128 बस यही प्रूव करना था आपको। आपको फिर से बता देता हूँ इसका इंटीग्रेशन करना हाँ एक मुश्किल टास्क है ना मेरे लिए मुश्किल टास्क। आपको पता है sin^4 तक हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं लेकिन sin^10 है तो उसका इंटीग्रेशन करना एक मुश्किल है ना मुश्किल नामुमकिन तो नहीं मुश्किल है बट तो ऐसे फाइंड नहीं करेंगे तो एक अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू बताएंगे इसके और अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू हम फाइंड ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? दो कंसेप्ट ध्यान रखने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंक्शन चेक करना है इट इज द इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड वी अप्लाइड द रूल, वी अप्लाइड द रूल ओके नोट कर लें आप इसे। नोटेड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इसको प्रूव करें, जिसका प्रूव हो जाए वो टाइप करे यस सर। ये तो बहुत ही ना बहुत ही गंदा क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे ने, 5/4 to 5/4 लिमिट गिवन हो। अरे आपको सिंपल सी बात बताए, 0 to a लिमिट गिवन होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको बोल रहा हूँ इस पॉइंट से a जाना है तो आप कहीं गए क्या, कहीं नहीं गए, a टू a कहीं नहीं गए अपन, वही की वही रह गए तो जीरो हो जाएगा एरिया। प्रूव करें लिमिट 0 to 5/2 sin of x upon x। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मैं क्लास के हर एक बच्चे का रेस्पॉन्स चाहता हूँ, आप एटलीस्ट इसमें यह टाइप तो करें, इंक्रीजिंग है तो आई टाइप करें और डिक्रीजिंग है तो डी टाइप करें। दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और नहीं पता तो नन भी टाइप कर सकते, नन। इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसे आ रहा है आपका? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब आप समझते हैं क्या है? आप एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो अगर जीरो की बात करता हूं तो जीरो पे साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स दैट विल बिकम वैल्यू क्या मिल गया आपको 1 राइट। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 5/2 हाँ 5/2 पुट कर दो साइन ऑफ 5/2 अपॉन 5/2 साइन 5/2 वैल्यू विल बी 1 अपॉन 5/2 दैट विल बिकम 2/π। आपको पता जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बता देता हूँ बाकी हम एओडी में देख लेंगे इसको। जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। देखें यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 0 पर 1 मिला है और पाई बाय 2 पर वैल्यू आपको 2/π मिला है, 2/π आपको पता है 1 से लेस देन मिलेगा राइट। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं माय डियर, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्या है डिक्रीजिंग। अब चेक करें डिक्रीजिंग का ग्राफ सर हम कैसे बनाएंगे,
आपको ये पता चल रहा है, ये पता चल रहा है मैक्सो मिनिमम वैल्यू की बात करूं कि यहां पर है ना सर मुझे, यस जीरो पे वैल्यू मुझे वन मिल रही है। ओके फिर पाई बाय टू पे जैसे जैसे आगे आए तो वैल्यू मुझे, एक्चुअल ग्राफ तो नहीं पता चला लेकिन ऐसे समझ आ रहा है कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो पाई बाय टू मिल रहा है और अनदर कोऑर्डिनेट 2/π मिल रहा है, इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 0.1 मिल रहा है, राइट ऐसा कुछ मिला। तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है बच्चों। ओके ओके डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपको पता है लिमिट एफ ऑफ बी माइनस इंटू एफ ऑफ बी माइनस से है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही करें, आपको पता है लिमिट बी माइनस से पाई बाय टू माइनस जीरो राइट इंटू एफ ऑफ पाई बाय टू, एफ ऑफ बी आता है जब डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो एफ ऑफ बी आएगा, तो एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ अपर लिमिट ग्रेटर देन टू, यहाँ पर ले लेता हूँ मैं कुछ पाई बाय टू माइनस जीरो इंटू एफ ऑफ लोअर लिमिट पर वैल्यू एफ ऑफ जीरो। समझदारी के साथ देखें क्वेश्चन को, आप समझ गए हो, पाई बाय टू इंटू दिस वैल्यू विल बिकम पाई बाय टू, एट पाई बाय टू वैल्यू 2/5 एंड पाई बाय टू इंटू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू बना, आपको दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो गया तो आंसर मिल गया आपको 1 से लेके पाई बाय टू। यस इज इट क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम मुझे यहीं पर बता देना, यहीं पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, दो तीन कंसेप्ट यूज हो रहा है लिमिट का प्लस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का और तीसरा कंसेप्ट इसके इंटीग्रेशन का, यस सर यही किया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कैसे कंफ्यूजन हो गया। अगर उल्टा ले लेंगे तो आपका आंसर भी मैच नहीं कर रहा होगा, सॉल्व करके भेज, वेरी गुड बहुत ही बढ़िया, नोट कर लें जिन्होंने नोट नहीं किया, फिर आगे चलेंगे। फंक्शन अच्छे से नहीं आता, कोई बात नहीं बच्चे, अगर नहीं आता तो मॉर्निंग की क्लास में आप ज्वाइन करें। ओके और एक एपिसोड और भी ऑन कर रहा हूं मैं अभी, वो एपिसोड आपका इवनिंग में चलता है 5 o'clock से, 5:15 से लेके 6:15 तक है, उसमें आप आए, उसमें फंक्शन का रिवीजन चल रहा है। ओके नोटेड, यस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यस इसको सॉल्व करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड टाइप योर आंसर। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल है, फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा सा क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं आपसे, एल एन एक्स के बारे में बात करता हूं मैं, एल एन एक्स जो बहुत ही प्यारा और अच्छा फंक्शन है, एल एन एक्स जिसका ग्राफ भी आता है मैं बखूबी से, और इसका ग्राफ है ना कुछ ऐसे बनता है, जब बात करूं एल एन एक्स का ग्राफ है, इसका बेस ई है और 1 to ∞ ऐसे जाता है, इसमें लिमिट गिवन है सर आपको 1 to ∞, तो 1 to ∞ चेक किया सर बहुत ही बखूबी से ना, 1 to e सबको दिख रहा है एक्स बढ़ने के साथ इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स इंक्रीज हो रहा है उसके साथ इंक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ही अच्छा सोचा, लेकिन थोड़ा दिमाग और लगाते हैं कि एल एन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, 2 + ln x इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, आपको पता है अगर यह फंक्शन इंक्रीज होगा तो 1/something फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर f f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1/x क्या हो जाएगा, एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, समझे, तो यह ओवरऑल एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, नॉट ए इंक्रीजिंग है, यह इंक्रीजिंग है बट यह फंक्शन की बात करूं तो टोटल फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। अब आप अप्लाई कर दो डिक्रीजिंग वाली कंडीशन, डिफरेंस कितना है इसका,
ई माइनस वन इंटू अपर लिमिट, अपर लिमिट पता है ई, एल एन ई की वैल्यू वन होती है, वन प्लस टू दैट विल बिकम थ्री, इंटू लेस देन ऑफ ई माइनस वन इज ऑल्सो, एंड वन पुट करें एल एन वन की वैल्यू जीरो होती है, तो वन टू प्लस जीरो दैट विल बिकम टू, हेंस टू। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं अपन, अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक को ना, पढ़ेंगे आराम से। लेकिन ये बेसिक बेसिक है ना, जो आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा इतना, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंट्रोडक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आगे चलूं मैं, ओके, यस यस गुड। विच ऑफ द ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फाइव, अगर लिमिट जीरो टू वन गिवन है, एक्स टू द पावर फाइव, अरे फाइव ग्रेटर देन, जब एक्स की वैल्यू बिलोंग्स टू है, मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, जीरो टू वन गिवन है, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन होगा, ये पहला वाला सही है, दूसरा वाला, ये ए नाम देता हूँ, ये बी नाम देता हूँ, विच ऑफ द करेक्ट, ए और बी, ओके दूसरा वाला, दूसरा वाला ए, ए इज करेक्ट, वेरी गुड। हाँ तो ये ग्रेटर देन है इस वैल्यू से, क्योंकि जीरो टू वन की बात कर रहा है, यस यस वेरी गुड। हाँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, कुछ ऐसा लिखूंगा कि फोर माइनस एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यूज है वो ऐसे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स टू द पावर फाइव, तो फोर में से कुछ क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, और दिस क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव बिकॉज एक्स गिवन है आपको जीरो से वन के बीच में, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी। तो ये पता चल गया सर, इस ओवरऑल रिजल्ट का ना, इस ओवरऑल रिजल्ट की वैल्यू आपको फोर से लेस देन मिल रही होगी, राइट। अच्छा ग्रेटर देन बात करूं, तो मैं ग्रेटर देन बात करता हूँ कि इससे क्या हो रही होगी, ग्रेटर देन हो रही होगी वैल्यू, फोर माइनस एक्स स्क्वायर से क्या हो रही होगी, ग्रेटर देन हो रही होगी। अब क्या करना है, बस अब इसका रेशियो को ले लें आप, रूट ले लें, और रूट में क्या वैल्यू उल्टा हो जाता है, जैसे इसका रूट लिया मैंने और रेसिप्रोकल भी लिया, तो हो जाएगा वन अपॉन रूट ओवर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फाइव इज ग्रेटर देन, ये वन बाई फोर का रूट, वन बाई टू आ गया, और रूट ओवर वन माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका जरूर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यस हाँ, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। हाँ बताए, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ये प्रॉपर्टी यूज करें, नोट कर ले। इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं आप, साइन इनवर्स एक्स बाई टू, लिमिट पुट कर जीरो टू वन, तो वन पुट किया साइन इनवर्स वन बाई टू, दैट विल बिकम पाई बाई सिक्स। जीरो तो लेंगे नहीं, क्योंकि वन बाई टू से पहले ही ग्रेटर देन, तो जीरो से लेस देन तो हो नहीं सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई सिक्स, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन बाई टू। यस नो, मुझे कुछ टाइप कर रहा है, आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसमें, ओके ओके नेक्स्ट, इसको भी आज आप होमवर्क में कर लेना, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आगे थोड़ा सा होमवर्क में कर लेना, नहीं आया तो डिस्कशन में ले लेंगे। आज पढ़ेंगे कुछ नया टॉपिक अपन, ना वो है बालिश टर्म एंड रिडक्शन फॉर्मूला, बालिश टर्म एंड रिडक्शन फॉर्मूला। यस पहले मैं समझाता हूँ, उसके बाद नोट करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो होगा क्या, यस कोई भी लिमिट गिवन है, जैसे अभी तक वो क्या रहा था, पावर जैसे कम पावर थी, ओनली पावर यहाँ पर फाइव टू थ्री तक था, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही रहे थे टी और डी टी लेके, बट अगर लेट सपोज पावर यहाँ पर टेन ट्वेल्व फिफ्टीन या मोर देन, आपको ज़्यादा एक हायर पावर गिवन हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे, साइन टू द पावर एन एक्स इंटू कॉस टू द पावर एम एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है, तो हाउ टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप करेंगे एन माइनस वन, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में जाके वैल्यू या तो वन मिलेगी या टू मिलेगी, वहीं पर इसको छोड़ देंगे, नेगेटिव तक नहीं ले जाना। सिमिलर दैट एम माइनस वन एम माइनस थ्री एंड सो ऑन, लास्ट में वैल्यू या तो वन मिलेगी या टू मिलेगी,
राइट वहीं तक छोड़ देंगे इसको, यस। एंड डिनोमिनेटर में करेंगे आप एम प्लस एन माइनस टू एंड सो ऑन, एम प्लस एन माइनस फोर एंड सो ऑन वन और टू तक, इसको अप्लाई करेंगे वन और टू तक। ओके यहाँ तक इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये वही मेथड है जैसे सिंपलीफाई करके आता है ना अपना डेरिवेटिव करता है तो उसका क्या फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आया था, सेम है ये। सॉरी अब आपको पता चल रहा है जैसे के वैल्यू है, के मतलब यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन है जिसको अपन डिनोट करो मैं के, क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस के की दो वैल्यूज मिलती हैं। अगर एम और एन बोथ आर इवन हो, एम और एन की बोथ आर वैल्यू इवन है तो मैं के की जगह पुट करूंगा पाई बाय टू, अदरवाइज मैं वैल्यू पुट कर दूंगा वन। एम और एन बोथ आर इवन हो तो पाई बाय टू मल्टीप्लाई करूंगा, अदरवाइज मैं वैल्यू वन मल्टीप्लाई कर दूंगा। सर समझ कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई समझने की जरूरत भी नहीं, बस फॉर्मूला आप नोट कर लें, अभी समझाता हूं मैं, फिलहाल आप फॉर्मूला नोट करें। इतना जल्दी हम कैसे समझ गए, बहुत ही समझदारी की पावर अच्छी है आपकी। यस नोट कर लें एक बार आप। अभी क्वेश्चन के साथ में फिर से समझाता हूं मैं उसको, मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आपके लिए। गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, वेरी गुड। सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचना नहीं मुझे, पावर ऊपर दे रखी है, टू टू के डिफरेंस में सबट्रैक्ट कर देना है, नीचे दोनों को ऐड के टू टू के डिफरेंस में आपको प्रोडक्ट कर देना है, लास्ट में वैल्यू अगर इवन है तो पाई बाय टू से मल्टीप्लाई कर देना है, ऑड है तो वन से मल्टीप्लाई कर देना। यस ऐसा क्यों है, ऐसा इसमें ऐसे हमने इसका प्रूफ भी किया हुआ है ना, प्रूफ भी किया है, लेकिन यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। मैं से कुछ पूर्वज कह गए थे डायरेक्ट ऐसा आए तो आप ये वाली थ्योरम में अप्लाई कर सकते हो, है? राम की सेना में सुग्रीव और वाली भेज दिए, इंटीग्रेशन की सेना में आ गया। देखो कैसे 0 टू पाई बाय 2 गिवन है, इंटीग्रेशन दे रहा हूं मैं साइन टू द पावर 4x इंटू कॉस टू द पावर 6x इंटू dx। अब है ना, अब मैं छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, पहले साइन की पावर m और कॉस की पावर n ले लिया आपने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या डिफरेंस, एक बार फिर से फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं आपको, आप क्या वन पहले सबट्रैक्ट करेंगे वन, हाँ, और इसमें भी सबट्रैक्ट करेंगे वन, नीचे क्या टू सबट्रैक्ट करेंगे, और वैल्यू पहले एज डायरेक्ट सबट्रैक्ट करते हुए लिखेंगे आप, तो फोर में से ना फोर में से वैल्यू बन गई तो क्या बचा, इसका बन गया थ्री, फिर आपने टू सबट्रैक्ट किया तो वैल्यू क्या हो गई वन, हाँ मैं लिख देता हूँ एक बार पूरा ही लिखता हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया इसके लिए कि सर फोर माइनस वन किया आपने, फिर आपका फोर माइनस वन किया, फिर आपने फोर माइनस थ्री किया होगा, अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे नेगेटिव मिल जाएगा तो वन तक छोड़ देना। इसमें भी देखो सिक्स माइनस वन किया आपने, फिर सिक्स माइनस थ्री किया आपने, फिर सिक्स माइनस फाइव करूंगा यहाँ तक छोड़ दूंगा, नीचे देखे इन दोनों को प्लस कर रहा है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया टेन, तो पहले टेन लिखा, फिर टेन माइनस टू किया, टेन माइनस फोर किया, टेन माइनस सिक्स करूंगा और टेन माइनस एट, हाँ इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। यस सर, के की वैल्यू बता दें आप, दोनों ही इवन पावर है सर, दोनों ही इवन पावर है तो के की वैल्यू आप है ना पाई बाय टू लिख दीजिए, के की वैल्यू पाई बाय टू। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया थ्री वन फाइव थ्री वन डिवाइड बाई टेन एट सिक्स फोर टू इंटू पाई बाय टू, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, जो नहीं हो रहा उसको हम सेटिंग कर देंगे, तो थ्री थ्री टू वन, ओके फाइव टू टू, ओके तो न्यूमिनेटर में बचा थ्री पाई और नीचे बचा टू इंटू टू, टू टू द पावर सिक्स इंटू एट टू पावर थ्री, दैट बिल्कुल टू टू द पावर एक एट नाइन, इट मीन्स फाइव वन टू। यस तो फाइनल आंसर मिल जाएगा थ्री पाई बाई फाइव वन टू।
समझ आया कि नहीं बच्चों? यस नो? नहीं आया तो नन ऑफ दीज। कुछ समझ नहीं आया कि क्या आंसर करें उनके लिए, नन ऑफ दीज। यस यस, स्पेसिफिक फॉर्म है, 0 to π/2 लिमिट गिवन होगी, ऐसी पावर गिवन हो जो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उसकी वैल्यूज मिल रही हो मुझे, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते। देखो इसका है ना, प्रूफ भी बताऊँ, प्रूफ भी आपको ऐसा आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते। 0 to π/2 है, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर भी आप वाली स्टोर में यूज कर सकते हो। ऐसा थोड़ी, वैसे तो हम सिंप्लीफाई इसको करते थे, 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें और फिर मुझे आंसर मिलता था। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड कर लिया, अब एक झटके में निकाल सकते हैं। आपको पता है 2, तो पहले 2 - 1 1 आया, इससे आई करने ये भी क्या आया, 1 आया। ओके नीचे वैल्यूज क्या हो जाएगी इसकी, ये 4, पहले 4 फिर 4 - 2, यस बस यहीं तक। और ये 1/4 पहले से और π/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको आंसर वैसे ही मिलता था वहां पर और यहाँ पर भी मिल गया, तो आप इससे आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है मेथड। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन कर रहा हूँ इस कंसेप्ट पर। जीरो टू पाई बाई टू साइन टू द पावर 6 थीटा इंटू कॉस पर थीटा, ये नहीं ये नहीं, और भी है ना, और भी थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उस, ये मतलब और भी मजेदार बनाते हैं, थोड़ा तड़का लगाते हैं इसमें। 0 to 1 x^6 √1 - x² इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है बच्चों, ये इंटीग्रेशन में ये दे रखा है आपको 0 to 1। नमक स्वादानुसार, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। दूसरे बच्चे ने जब तक नमक मिला भी दिया और आप उसके टेस्ट के बारे में सोच रहे हो, अब देखो क्या उसका नमक सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। x² है ना, x² तो आप ना x की वैल्यू पुट कर दें और मैं आपको दे देता हूँ हिंट कि x की वैल्यू आपने साइन थीटा पुट कर दिया। अब आप सॉल्व करें क्वेश्चन की वैल्यू क्या मिलेगी, देखते हैं फर्स्ट आंसर कौन देगा और क्या देगा। ओके ओके, वेरी गुड। अकॉर्डिंग टू आप लिमिट भी चेंज कर रहे हैं, तो जैसे ही सर मैंने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया, 0 पे वैल्यू क्या देता है, 0 मिलता है, यस 0 मिल गया। अब 1 पे वैल्यू सर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन मस बन दैट विल बी π/2। ओके वेरी गुड। सर 1 - sin²θ cos² थीटा हो जाएगा, यस साइन टू द पावर 6 थीटा, बहुत ही अच्छा, ये कॉस थीटा बन गया बच्चों। और आपको एक बात और भी बता दूं, डी एक्स इज इक्वल टू, इसको भी नहीं बोलेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, कॉस थीटा। ओके तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया कॉस का थीटा इंटू डी थीटा बन गया, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर है। ओ सो यस, अभी बाकी बच्चे फाइंड कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है। ओके ओके वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। आपको मतलब बिल्कुल फॉर्मूला लिखना ही नहीं, सोच रही नहीं है, 1 के डिफरेंस में लिख दो, पहले क्या आएगा 5, फिर 2 के डिफरेंस इससे 5 3, फिर आपका 1, बस है, खत्म हो गई इसकी कहानी। इसकी कहानी देख लो आप, 1 ही आएगा बस, दोनों को ऐड किया कितना होगा 8, पहले 8 लिखे हैं, फिर 2 के डिफरेंस में 6 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 2 लिखा, बस दोनों इवन है, किससे मल्टीप्लाई करूंगा सर, π/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कहानी खत्म कर दो, इससे ये गया।
फिर से भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5π/256। यस करेक्ट, वेरी गुड। हाँ बच्चों ने अपना सॉल्यूशन भी सेंड किया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एक्टिव रेस्पॉन्स है ना, इसको कहते हैं आप प्रॉपर पढ़ाई के मूड से आए हो। आज मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर, हाँ जैसे मॉर्निंग की क्लास ले रहा था मैं, तो उसमें बच्चे काफी हो जाते हैं, 80, 90, 100+ तक बच्चे पहुंच जाते हैं। तो उसमें क्या कुछ बच्चों के कमेंट से प्रॉब्लम, लाइक दैट गर्ल्स स्टूडेंट या कोई अदर स्टूडेंट को वो होता है, कमेंट करते हैं। फिर कमेंट को ना एज ए आप एंटरटेनमेंट लिया करो, कभी ना दिल पर और माइंड पर मत लिया करो, चाहे वो बॉयज स्टूडेंट हो गर्ल्स स्टूडेंट हो, क्योंकि क्लास नॉर्मल ऑफलाइन क्लास में भी वो तो होते हैं बोलने वाले बच्चे, बोलते रहते हैं, और ऑनलाइन में भी है। अगर सोचो ना इस क्लास में कोई कमेंट ऐसी फालतू नहीं तो मजा ही नहीं आएगा है? और बोर हम फील करेंगे। तो जैसे सोयस जैसे बच्चे हैं, इनका आना बहुत ही जरूरी है, और इसको एज ए एंटरटेनमेंट हम लिया करें। तो लैपटॉप कैसे ले? नहीं, हमारी नहीं, सुयश मतलब ऐसा नहीं, एग्जाम्पल सुयश को टारगेट किया हो, मतलब बोला है कि एक एंटरटेनमेंट भी जरूरी है क्लास में, जरूरी है। ओके नेक्स्ट, एक इश्यू सॉल्व हो गया बच्चों, नेक्स्ट में इसका दे रहा हूँ, एक और पार्ट देता हूँ, इसको सॉल्व करें आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। आई इजिकल टू गिवन आपको 0 to 1, एक्स टू दी पावर 70 इंटू 1 - x^30 इंटू डी एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ हंड्रेड सी 30 इंटू आई। जल्दी करें बच्चों, टाइम बहुत कम बचा है। आई इजिकल 0 to 1, एक्स टू दी पावर 70, 1 - x, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। यस देखिए मैं हिंट बता देता हूँ आपको, आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा पुट करता हूँ, यस यस, बहुत आसान आंसर आएगा, बहुत आसान, वेरी गुड। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो डीएक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इसका 2 sin θ (cos θ)/dθ। तो देखिए वैल्यू क्या क्या मिलेगी, साइन थीटा साइन स्क्वायर टू द पावर 140, और साइन टू द पावर 140 इंटू आपको पता है साइन थीटा, यस ये भी 2 रख दें आप, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस टू द पावर 1 - cos θ, दैट विल बिकम कॉस टू द पावर 60 इंटू डी थीटा, और मल्टीप्लाई करते हैं 2 to the power, ये साइन थीटा की पावर 140 वन बन गया, यहाँ लिख देता हूँ पावर, हाँ ये कॉस थीटा की पावर 61 बन गया इंटू डी थीटा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो अकॉर्डिंग टू बालिश थ्योरम दिस विल बिकम 2 into, ये हो जाएगा देखो 140, 138, 136 एंड सो ऑन, लास्ट में आपको 2 ही मिल रहा होगा, इसमें लास्ट में 2 मिलेगा, ये हो जाएगा 60, 58 एंड सो ऑन, लास्ट में आपको 2 मिल जाएगा।
अपॉन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है ये वैल्यूज, 202 है, तो 202 20 198 एंड सो ऑन, लास्ट में वैल्यू 2 मिल जाएगा। देखें अब इसमें से ये 2, इसमें से अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 टू द पावर, देखो 70 टर्म है तो 2 टू द पावर 70 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू क्या 70, इसमें से देखो 2 की पावर कॉमन लेता हूँ तो 2 की पावर 30 हो गया, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक आएगा 30 तक, अपॉन हॉल अपॉन है, इसमें से अगर 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 की पावर 101 है, ये हो जाएगा यस, ये मिलेगा मुझे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू कहाँ तक 101 तक, समझ गए होंगे कहानी, देखो 2 की पावर 70, 2 की पावर 30, 2 की पावर 100, 2 की पावर 1, 2 की पावर 101, दैट मींस दिस टर्म विल बी कैंसल आउट। ओके यहाँ पर ओनली बचा हुआ आपके, मैं फास्ट लिखता हूँ फास्ट, ये ऊपर बचा देखो 70 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल इंटू, ये 101 को अगर सेपरेट कर देता हूँ तो 101 इंटू 100 फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे उस टर्म में लेके आना है, और ये वाली टर्म अगर आपको दिख रही ना मन की आंखों से देखना, तो 101 इसको अगर देखूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो मुझे 1/100C30, यस 100C30, NCR की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इंटू r फैक्टोरियल, इसमें ये किसकी वैल्यू, i की वैल्यू, तो आपसे क्या पूछा i इंटू 100C30, इट मींस फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा आपको 101। यस नोट कर ले बच्चों, मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को जल्दी से।